हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी दिनों बाद या कह सकते हैं काफ़ी महीनों बाद ये कहने की बारी आई है कि ब्राइटकॉम को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऐसी हालत काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि ज़्यादा रेट में लिए हुए लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मेरा रेट कब आएगा। आज क्या क्या हुआ वो बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आज BSE और NSE मिलाकर अराउंड 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, तो वो तो कम वॉल्यूम होना ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जब सेलर्स नहीं होते अपर सर्किट में जाता है। और आज कह सकते हैं कि रियल में स्ट्रांग अपर सर्किट लगा ब्राइटकॉम ग्रुप में, मतलब ये झटके में लगा, कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हुआ। इसीलिए ओपन भी 18.50 पे हुआ, क्लोजिंग भी 18.50 पे हुआ, कुछ हिला ही नहीं, डायरेक्ट अपर सर्किट में क्लोज हो गया। तो इसको कहते हैं स्ट्रांग अपर सर्किट। आज का डिग्री परसेंटेज तो 100% था, वो तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कोई मौका ही नहीं था इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। तो इसीलिए आज डिग्री परसेंटेज भी 100% रहा है। आज NSE में भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, 0.24% अप था NSE और निफ्टी। और अगर निफ्टी IT की बात करें तो आज डाउनफॉल देखने को मिला है 0.70 का, वो हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप में तेजी बनी हुई है, ये अच्छी बात है। आज रिजर्व बैंक की पॉलिसी की मीटिंग का आउटकम आया और रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ाया नहीं, और इसी के कारण मार्केट में हमें आज तेजी देखने को मिली और तेजी मेंटेन रही, और उसका भी सपोर्ट मिला ब्राइटकॉम ग्रुप को, जिसमें भी आज अपर सर्किट लगा। अब अगला लेवल क्या रह सकता है, 19.50 21.50, मेनली 22 को क्रॉस करना चाहिए। 22 को क्रॉस किया तो 24 को क्रॉस किया तो डायरेक्ट फिर 28। अब सवाल यह है कहां तक जाएगा ऊपर, तो अब से लग तो रहा है कि अभी थोड़ा सा स्ट्रांगनेस बना रहेगा। और मैं एमओ ऑर्डर की बात बताऊँ तो आज थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा है। एमओ ऑर्डर सिर्फ 18,27,000 शेयर्स की है, जो कि कल अगर हमने देखा था तो मोर देन 50 लाख शेयर्स एमओ में लगे हुए थे। आज एमओ ऑर्डर कम लगी हुई है, बट ठीक है, एमओ ऑर्डर है अभी। और जैसे कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में अगर देखेंगे तो एमओ ऑर्डर अच्छी, मतलब जो ऑर्डर थी बाइंग साइड NSE पर अराउंड 1,65,00,000 शेयर्स बाइंग को लगे हुए थे अपर सर्किट लगने के बाद, और BSE पे अराउंड 60 लाख शेयर्स थे, तो ऑल टुगेदर अराउंड 2,20,00,000 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग का जो डिमांड था काफ़ी अच्छा था। और अगर आप इसका देखोगे BSE पर भी करीब करीब मार्केट जब बंद हुआ था तो 40 लाख शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे, क्योंकि BSE का हमें एमओ ऑर्डर पता नहीं चलता है कितना है, तो वो हिसाब से। बट NSE पर तो अभी 18,27,000 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए हैं। और एक बात नोट करने जैसी है कि मॉर्निंग में वॉल्यूम जो था दोनों एक्सचेंज पे 4,00,000-6,00,000 ऐसा ही था, बट जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ आ रहा था वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखा हमें, मतलब जो 4 लाख और 6 लाख था वो बढ़कर हो गया 13 लाख और 10 लाख। मतलब अपर सर्किट लगने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे है ज़रूर कि जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या घबरा कर बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये डेंजरस गेम तो होता ही है। जब शेयर अपर सर्किट में जाता है तो अच्छा है, और ASM स्टेज अभी 1 में है लॉन्ग टर्म के, अब एक हो सकता है 2-1 दिन अपर सर्किट और मारे तो ASM स्टेज 4 में भी डाल दें सेबीज को, वो बात ठीक है, बट डेंजरस गेम कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी अपर सर्किट में जा रहा है, अचानक अगर लोअर सर्किट मारा तो फिर से गिरते वक्त भी लोअर सर्किट में ही क्लोज होता है, ये बात भी आपने भूलना नहीं चाहिए। बट अभी तो थोड़ा सा जो है डिमांड काफ़ी है और काफ़ी गिरा हुआ शेयर तो अच्छा है, फंडामेंटल सब अच्छे हैं, बट दिक्कत वही है कि किस्मत ख़राब है कि इतना ज़्यादा गिरा है, काफ़ी फैक्टर्स है उसके, वो वाला वीडियो में बताऊँगा। बट अभी तो लग रहा है कि ऊपर जाएगा, अभी 18.50 तक पहुँचा है, 21.50 क्रॉस करके 22 क्रॉस करना ज़रूरी है, उसके बाद 24 तक भी जा सकता है। और इसके बीच में अगर कंपनी की ओर से कोई नई धमाकेदार न्यूज़ आ गई तो फ्रेंड्स और भी ऊपर जा सकता है, फिर तो 50 रुपीज़ तक भी जा सकता है। हम आशा करते हैं कि सैटरडे संडे 2 दिन में कंपनी की ओर से कोई एक आधा नया नोटिफिकेशन या पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए,
जिसके कारण अभी हमें हो सकता है कि तेजी जो मेंटेन रहते हुए मिले, और मैनेजमेंट ने ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अभी मौका है, अभी कोई अनाउंसमेंट कर देंगे तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कभी मार्केट में क्रैश व्रैश कोई कारण से आया, कोई बड़ी बैड न्यूज़ आ गई और मार्केट अगर गिर गया तो हो सकता है ये अपर सर्किट का सिलसिला भी रुक जाए। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, मैं यही बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो देखने की ज़रूरत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जिसने बाय किया है लोअर रेट से वो पार्ट पार्ट में बेच सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग अभी देखो ये दोनों बात है, अभी डेंजरस गेम कैसा होता है, अब नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं करेगा, अचानक लोअर सर्किट लग जाएगा, हमें ध्यान नहीं रहता है, फिर पता चलता रहे तो उसमें तो लोअर सर्किट लग गया, फिर बेचने की भागदौड़ शुरू हो जाती है, फिर एमओआर ऑर्डर लगाओ बेचने के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात है, और बट थोड़ा सा लग तो रहा है कि अभी बाइंग का जो प्रेशर है बना रहेगा, बट टू बी ऑन सेफर साइड, समझो आपने 1000 शेयर्स होल्ड करके रखे हुए कम रेट में, डेली आप 100 शेयर्स बेच सकते हो, प्रॉफिट बुक करते रहते हो तो आपको टेंशन नहीं रहता है, ये स्ट्रैटेजी होती है। बट थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो रुक जाइए, जब अपर सर्किट से नॉर्मल ट्रेडिंग करने लगेगा जब भी बेच सकते हो, बट कभी कभी नॉर्मल ट्रेडिंग करते करते अचानक लोअर सर्किट लग गया तो दिक्कत भी हो सकती है, बट लेट्स होप कि अभी और ऊपर जाएगा। वैसे मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा, उसमें और भी बात करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।